जी पटेल साहब। सर बात बिल्कुल ठीक है। एक मिनट, ये बहुत सीरियस इशू है जो सर, हमने इसके ऊपर पूरा डिस्कशन करना है। लेकिन इसको सर, ये हमारे अनाज का मसला नहीं है, ये हमारे कौमी मसला है। सर डिट्रैक ना होने दें। पटेल साहब प्लीज। सर जिस तरह शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा, ये हमारा हम सबका मसला है, लेकिन ये मसला बयान करते हुए मुख्तलिफ इल्जामात जो बिल्कुल बेबुनियाद है। मसलन आपने कहा कि 17,000 मुलाजमीन वहां पर हैं और उसमें ज्यादातर गोस्ट हैं, ये मिनिस्टर साहब का फ्लोर ऑफ द हाउस पे स्टेटमेंट है और ये बहुत हद तक ठीक है। अब जिसने ये भर्ती किए, जिस दौर में किए, वो आपके साथ हुकूमत में बैठे हैं, आप कहें तो हम अभी उनको निकाल बाहर फेंकें। लेकिन हम किसी को बेरोजगार करना नहीं चाहते, नंबर वन सर। नंबर टू, हमारे इलाके टेल में है, कराची के किमाड़ी सबसे आखिरी इलाका है जहां से मैं मुंतखब हुआ हूं, सबसे ज्यादा मैं अफेक्टेड हूं पानी की वजह से। लेकिन सर मुझे एक बात बिल्कुल पता है कि फेडरल गवर्नमेंट अपने माजी के पानी के किसी शेयर के वादे पर, किसी फाइनेंस के वादे पर कभी पूरी नहीं उतरी। जिस शहर में रोजाना हजारों लोग आकर बस जाते हों, रह जाते हों, मुख्तलिफ कौमियतों के, हम उनको वेलकम करते हैं सर, लेकिन करोड़ों की बढ़ती हुई इस आबादी को आप वसाइल भी तो दें, न सिर्फ के वहां की हुकूमत को आप ताने दें, तनकीद का निशाना बनाएं और फिर कहें ये तो मिनी पाकिस्तान है, मिनी पाकिस्तान को फिर मिनी पाकिस्तान जितना बजट, वरना फिर छोड़ दो बात।